हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक इट इजी व्लॉग्स। और आज हम करने वाले हैं होम टूर। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसे अक्षय ने बताया, आज हम करने वाले एक छोटा सा होम टूर। तो ये पीछे घर की एंट्री है, तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये वाली फ्लोर पुराना घर है जहाँ पे हम पहले रहते थे, ये ऊपर वाला नया घर है। तो इससे शुरू करेंगे, फिर आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये है मेन एंट्रेंस गेट, जिसके साथ हमारी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और पहले हम इस तरफ से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से ये हमारा पुराना स्टोरी है, हम बचपन में यहाँ बहुत रहा करते थे। और क्या बताऊँ मैं आपको इस जगह के बारे में, तो अब ये कन्वर्ट कर दिया है टू रूम्स में। पहले ये सारा कनेक्टेड था एक ही, अब इसको हमने डिवाइड कर दिया है। ये वाला जो रूम था, ये लक्ष्य का रूम था, इसके साथ एक और रूम था, और इसके साथ जो हम पीछे को जो आपने देखा अभी, वो सारा जॉइंट था। और यहाँ पे एक मेन गेट, और मतलब एक दरवाज़ा था, उसके साथ अटैच था हॉल एंड ऑल। सो ये एक काफ़ी अच्छा एरिया था। अगर हम इस तरफ को भी जाए तो, अगर आप पूरे घर में घूमना चाहते हैं तो बहुत स्पेस था, बहुत जगह थी हम घूम जहाँ पे हम घूम सकते हैं। ऊपर हम चलते हैं। अब ये तो पुराना हो गया, इसमें ज़्यादा दिखाने को कुछ है नहीं। सो शिमला में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है आजकल। तो ये था पुराना घर, ये पीछे यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है। जब मैं स्कूल टाइम में होता था तो मैं यहाँ रहते थे। अब ऊपर चलेंगे, जो नया घर है ये वाला। जैसे ध्रुव ने देखा कैमरा ऑन हो गया और ये आ गया। मैं थोड़ा काम कर रहा था। ऊपर चलते हैं। अब आपको दिखाते हैं नया घर। अगर थोड़ा सा आप अंदर अगर दिख रहा हो, तो बेसिकली ये वाला रूम मेरा होता था, ये वाला, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था, एकदम वेंटिलेटेड था यहाँ से। दिस यूज टू बी माई रूम, पुराना वाला। तो अब नए की तरफ चलते हैं। तो डैड ने अभी कंप्लीट नहीं हुआ नया घर, मतलब अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ, फर्नीचर एंड ऑल इज नॉट देयर, बट स्टिल जस्ट टू गिव यू अ नॉर्मल टूर। तो हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या नया बना है। तो गाइज, ये था मेन गेट, उसके बाद जो नया घर है उसकी ये एंट्री है। और यहाँ पे मिलेगा आपको एक और गेट टू एंटर, और दो आपको चौकीदार मिलेंगे। तो जे और सेवी दोनों वेट कर रहे हैं कि कहाँ चले गए। दिस इज द मेन गेट। सेवी कम बैक। नहीं 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 नहीं, ऊपर काम करा है ये वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम पाइन वुड का सारा कुछ बनवाया है ये। तो ये पीछे था मेन गेट। जे वेट बेबी, वेट बेबी, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके 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 जे, अच्छा स्टे स्टे स्टे, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन बेबी, वेट बेटा। दिस वाज द मेन एंट्रेंस। यहां से हम ऐसे ऐसे आके देन यू टेक अ टर्न टुवर्ड्स दिस साइड। तो अब ये है नए घर का बाहर का वरांडा, पार्टी करना है, कुछ भी आपका फंक्शन है छोटा मोटा, तो यहीं पे वो हो जाए। तो दिस इज हाउ द व्यू लुक्स लाइक। शिमला में भी बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। सो गाइज, ये था बाहर का एक व्यू जो हमने आपको दिखाया अभी, इसके बाद अंदर चलते हैं। सो बाहर से एक आइडिया दूं मैं आपको, तो दिस इज द किचन एंड वो वाला मेरा रूम है, मॉम डैड का रूम पीछे वाली साइड है। तो चलते हैं अंदर की तरफ। आइए सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो गाइज, ये अंदर आते ही फर्स्ट थिंग इज ड्राइंग रूम। ये मम्मा बैठे अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे शायद स्कूल का। मैं आपको अगर यहाँ से दिखाऊं, दिस इज द ड्राइंग रूम। ये सेवी अंदर घूम रहा है,
जे को अंदर ज्यादा पसंद नहीं आता तो जे थोड़ा भारी घूमती रहती है। तो यहाँ से हमने एंटर किया है अभी। तो मेरे पीछे है इस घर का सबसे बेस्ट पार्ट विच इज द किचन। तो किचन आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है किचन, ये हॉब हो गया अपना 4 burner और ये चिमनी। तो इस टाइप के किचन को हम कहते हैं आइलैंड किचन। तो इसके पीछे जो आइडिया था पापा का वो था कि जो भी कोई खाना बना रहा है वो बोर ना हो अकेला खाना बनाते हुए और उसे थोड़ी कंपनी मिलती रहे। ये विंडो भी बहुत अच्छी है ताकि हम ये डार्क हाइड्रोलिक जो लगे हैं वो गाड़ी के जो बूट के हाइड्रोलिक्स होते हैं स्पेशली वो लेके आए सो दैट पूरा पावरफुल रहे। और इस पर टफन ग्लास लगा है क्योंकि ग्रिल्स नहीं है तो इसलिए। तो कुछ इस तरह का दिखता है ये सारा कुछ। किचन से जो व्यू है वो देखिए, सामने अक्षय और मम्मा बैठे हैं। थोड़ा अक्षय से पूछते हैं, अक्षय को किचन कैसा लगता है, अक्षय के बारे क्या ख्याल है अक्षय का किचन के बारे में। यार ये किचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो इसीलिए क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत जगह वैसे नहीं देखा है एज इन शिमला। बेसिकली इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वी आर हैविंग बार। अगर आप थोड़ा सा शॉप वगैरह पीना चाहते हो, हाँ मतलब पीते हो, तो दिस इज अ गुड बार। हमने अभी तक यूज नहीं किया पर चलो। जो इसकी लाइटिंग्स है आप ये शेड्स देखिए, इस बार के साथ बहुत अच्छा जा रहा है इसका लुक। और ये सारी किसकी चॉइस थी? तो ये सारी चॉइस पापा की है, पापा और मम्मी ने ही सारा कुछ, मैं तो गुड़गांव था सारा टाइम, पापा मम्मी ने सारा कुछ सिलेक्ट किया है, चूज किया है। और वन मोर थिंग, अब इस गेट को देखो, मेन गेट को देखो, बहुत पहले हमारे गांव में विलेज में इस तरह की चीज लगती थी, बहुत ही हिस्टोरिक चीज है ये शेर के मुंह में ये चीज। और अगर आपको नॉक भी करना है यू कैन डू। कौन है? शेर। शेर आया, शेर। तो गाइज ये था किचन और एक छोटा सा मिनी बार। उसके बाद हम चलते हैं रूम की तरफ। तो इस तरफ ये वाला जो साइड है ये मॉम डैड का रूम वाली साइड है, वो वाला मेरे रूम की साइड है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा घर है, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा घर है, बट डैड ने कोशिश की है जितना फैसिलिटीज हम डाल सके उतना फैसिलिटीज डाले, बिकॉज दिस वॉज द लास्ट फ्लोर इस वाली बिल्डिंग का। तो इसके ऊपर छत है, इसके बाद सिर्फ एक एटिक बनेगा ऊपर। तो चलिए दिखाते हैं आपको, ये वाला मेरा रूम है तो ये वाला मॉम डैड का। पहले मेरे रूम की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप इस रूम का ये डोर खोलोगे, ये डोर इसलिए है ताकि प्राइवेसी बनी रहे। सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपको एक छोटा सा कैबिन जहाँ पे आपका वॉशरूम है, ड्रेसिंग एरिया टाइप है। हाँ। और इसमें लाइटिंग बहुत अच्छी हो रखी है तो बहुत अलग फील है, 5-star वाली फीलिंग है। सो गाइस ये वो मिरर है जहाँ पे सब लोग सेल्फीज लेना पसंद करते हैं। और ये अगर आप देखोगे वैनिटी, ये भी डैड ने खुद डिज़ाइन करवाई है। तो मतलब डैड का बहुत ज़्यादा अच्छा दिमाग चलता है व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइनिंग द हाउस। तो ये देखिए हम इस तरफ से भी आए हैं, अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो दिस वॉज द ड्रेसिंग एरिया और ये रहा रूम का एंट्रेंस। ध्रुव और अक्षय ऑलरेडी अंदर पहुँच चुके हैं। तो इस रूम में बहुत ज़्यादा वुडन वर्क हुआ है, आप जैसे रूफ को देखोगे तो वो कितना अच्छा वुडन वर्क हुआ है, पॉलिश बहुत अच्छा हुआ है इसमें। ये है बेड, अभी बेड अभी कंप्लीट हुआ नहीं है तो ये पुराने घर के सारे बेडिंग्स वगैरह है। तो बेड से अगर आप सामने देखोगे तो दिस इज द टीवी कंसोल, साइड पे विंडोज है फॉर द व्यू। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगेन यू हैव दिस व्यू। सो गाइज ये बेस्ट विंडोज लगती है मुझे, वाई? बिकॉज जस्ट सी दिस। सो ये जो विंडो का फील है, यहीं से आपको ऐसा लगेगा बाहर ही बैठे हो, यू डोंट हैव टू स्टेप आउट लिटरली टू फील द आउटडोर्स। सो एंड वो रहा कबर्ड, अक्षय और ध्रुव काफी चमक रहे हैं इस पॉलिश और वुडन से उसके अंदर। चीज बताना चाहूंगा, मैं रोज सोचता था ये है क्या चीज, और ये पता क्या ड्रॉर्स है। तो ध्रुव को लगा इसमें हैंडल नहीं है तो शायद ये सिर्फ डिजाइन ही है, बट ऐसा नहीं था। तो वो गाइस ऊपर ये भी कबर्ड है, वो भी कबर्ड है, सारा जितना लाइनों वाला दिख रहा है सारा कबर्ड्स है। और जैसी ड्रेसिंग रूम में बाहर लाइट है वैसी ही लाइट यहाँ पे भी है इस मिरर के पीछे।
तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें बहुत एनहांस करती है घर को, लाइटिंग स्पेशली। एंड मुझे पर्सनली लाइटिंग बहुत पसंद है, सो मुझे बहुत मज़ा आया था जब मैं घर पे आया अभी। वॉशरूम भी दिखाई देते हैं आपको, बिकॉज डैड ने वॉशरूम बहुत ज़बरदस्त बनवाए हैं। वॉशरूम पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है ओवरऑल, इतना शायद कोई नहीं देता है ध्यान। सो ये टाइल्स भी मुझे बहुत पसंद आई थी, और ये जो कंसोल लगा है पूरा बेडिंग का, इवन दैट्स वेरी नाइस। सो ये था वॉशरूम। यहाँ से अभी हम आए हैं, ये मेरा रूम था, अब ये सामने वाला मॉम-डैड का रूम है। तो इस तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं हाउ इट एग्जैक्टली लुक्स। पापा थोड़ा सामान लेने गए थे, पापा भी पहुंच गए हैं। सामान कुछ भी नहीं मिला, सारी मार्केट बंद थी। है हाँ। ओहो, और यहाँ से काफी पैदल जाना पड़ता है ऊपर, तो पापा कम से कम आधा घंटा पैदल गए। जहाँ पे शॉप थी वहाँ पे बंद मिला, तो वापस आया इतनी गर्मी में। और अब ब्लैक पहन की पहली इतनी धूप है, पहन लिया। तो हम आपके नए घर का थोड़ा ऑडियंस को होम टूर दे रहे हैं। थैंक यू। चलो ठीक है, आप करो चेंज वेंज, मैं दिखाता हूँ। तो गाइस ये वाला जो पोर्शन है, ये रहेगा मॉम डैड का ड्रेसिंग एरिया। सो दिस इज हाउ, ये वाली वैनिटी रेडीमेड है, ये वाली वैनिटी खुद नहीं बनाई गई है। और पीछे मैं अपनी सीलिंग में दिखाना भूल गया था आपको अपने, उसके तो सीलिंग्स भी बहुत अच्छी है इसकी, ड्रेसिंग रूम की। मेरी सीलिंग भी एकदम सेम है। तो गाइस ये है मॉम डैड का रूम, ये भी अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, बट चलो व्हाटएवर इट इज इट इज। सो दिस, इस रूम से बाहर का व्यू भी अच्छा है। दिस इज द मेन एंट्रेंस ओवर हियर, यहाँ से हमने एंटर किया था। और बाहर मौसम देखिए आप, कितना अच्छा है बाहर भी। तो कुछ ऐसा दिखता है मॉम डैड का रूम, दीज आर द कबर्ड्स ओवर हियर। और ये पीछे की एक एंट्री एक और है, पीछे की एंट्री तो नहीं कह सकते, बट दिस इज द एग्जिट। तो यहाँ से निकल के अभी वी हैव ऊपर जाने का रास्ता, अभी चलेंगे ऊपर भी। तो ये रहा ऊपर जाने का रास्ता। तो ये था मॉम डैड का रूम गाइस। उसके बाद एक और रूम है जो है फॉर, वैसे पूजा मॉम डैड बहुत करते हैं, तो दोनों का ही पूजा घर में चाहिए था एक। सो दिस इज द टेम्पल, एक घर का मंदिर छोटा सा। और अगेन विंडो, फुल वेंटिलेशन एंड लाइटिंग, नेचुरल लाइट हर रूम में डालने रखा है। एंड ये बैठक भी है, किसी को मतलब बैठना है आराम से, बैठ के बातचीत करनी है, थोड़ा सा गेट टुगेदर है, तो डैड प्रेफर्स नीचे बैठना, तभी यहाँ पे ये वुडन पीछे से पूरा बैकलाइट भी लगाया गया है। लास्टली मॉम डैड का वॉशरूम। सो गाइस दिस इज मॉम डैड का वॉशरूम, दिस इज क्वाइट ब्यूटिफुल। सो गाइस ये था मतलब छोटा सा एक होम टूर हमारा, जो हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है। अभी ये इंडोर कवर हो चुका है, रात का भी दिखाएंगे आपको, रात का बहुत अच्छा व्यू है। तो वी होप आपको पसंद आएगा। अभी चलते हैं हम बाहर की तरफ और ऊपर से दिखाते हैं टेरेस से क्या व्यू रहता है, क्योंकि टेरेस से व्यू इज इनक्रेडिबल। ये है ऊपर का रास्ता। सो गाइस सॉरी फॉर द मेस, बट ऐसा ही है अभी, कुछ खाली छत है, यहाँ पे अटैक बनेगा। मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। डांस आप करो, डांस आप करो। आप झूके झूके करते हो बस, उसके अलावा और कोई डांस नहीं, बारिश वाले। तो गाइस ये झूला जब मैं आई थिंक हम थर्ड सेकंड थर्ड में होते थे, तब से ये झूला घर पे है। पहले व्हाइट कलर का था, अब ये ब्लैक हो गया और इसमें छत भी लग गई है, छत भी लग गई है, अपग्रेडिंग हो चुकी है। तो गाइस हम आ चुके हैं ऊपर वाले टेरेस पे। तो गाइस जब हम छोटे छोटे होते थे, उसके बाद यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो चुका है। और जब हम बचपन में यहाँ नीचे जिस फ्लोर पे हम घूम रहे थे, उससे नीचे वाले फ्लोर पे हम क्रिकेट खेलते थे, तो बॉल जाती थी यहाँ से नीचे, और यहाँ से नीचे होता था फुल झाड़ियाँ जंगल, बड़ा डेंस। अब आप अगर दूर दूर तक देखोगे तो आपको छत ही छत नज़र आएंगे। तो अगर आपको मैं बताऊं तो शुरू में ये ऐसा था, ऐसे जैसे इस साइड में दिखता है आपको, ये तो फिर भी थोड़ा ठीक है, इससे भी लंबी लंबी बुशेज झाड़ियाँ वो सब दिखता है। और हम लोग उसमें बॉल ढूंढने जाते थे, क्रिकेट का बॉल, फुटबॉल जो यहाँ से नीचे चला जाता था, तो एक एक घंटा हमें उन झाड़ियों में बॉल ढूंढने को लगता था। काफ़ी सारी मेमोरीज है, और फ्रेंड्स हमारे लोकलाइट्स में ही इधर ही आसपास ही रहते थे हमारा। अब वाली फीलिंग बहुत अलग है, पहले वाली बहुत टोटली डिफरेंट।
और यहीं पे पीछे है मेरा घर लेक निवास, तो दूर से आपको दिखा देते हैं। अक्षय का घर भी दिखाते हैं चलो आपको। तो गाइस व्यू थोड़ा ऑब्स्ट्रक्टेड है, बट अगर आपको वो ऊपर वाली ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ये जिसके वाटर टैंक्स पे फोकस हुआ है। तो गाइस शिमला में सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ जो लगती है वो है ये, अगर आपको पानी के या टैंक देखने जाना है तो यू हैव टू क्लाइंब अप ऑन द रूफ लाइक दिस, और यू वोंट बिलीव कि मॉम डैड दोनों ऊपर तक जाते हैं ऐसे, और ऐसे ऊपर से। अभी तो अक्षय खतरों के खिलाड़ी खेल रहा है, बट मॉम डैड रोज़ खेलते हैं ये खतरों के खिलाड़ी। तो वो रहे पापा नीचे। हाँ जी पापा, पास्ता बन जाएगा? हाँ हाँ बना लेंगे। तो ये देखिए, ये वापस नीचे पापा की रसोई। पापा भी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो पापा की रसोई में पापा बैठे हैं अभी। ये देखो पास्ता की तैयारी हो शुरू हो चुकी है। तो गाइस हम होम टूर कर रहे थे, तब तक मम्मी की किचन में पास्ता बनना शुरू हो चुका है, पापा भी हेल्प कर रहे हैं, तो दोनों की मेहनत से बनेगा लजीज पास्ता। तो पास्ता रेडी है। सो गाइज ये था हमारा छोटा सा होम टूर, और उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। कल आने वाले हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, सो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और दिखाते हैं आपको आगे थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स रात के घर के, बिकॉज घर रात में बहुत ही अच्छा लगता है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बिकॉज नेक्स्ट व्लॉग रहने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग। हम जाने वाले हैं कैंपिंग, रोड ट्रिप, ट्रैकिंग, सब रहने वाला है इस अगली ट्रैवल सीरीज में। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड गाइस कीप वॉचिंग टेक इट इजी व्लॉग्स।